हे गाइस, वेलकम बैक अगेन। नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब? मेरा नाम है कार्तिक त्यागी और आप मेरे साथ देख रहे हैं डेली डोज रिएक्शन। तो गाइस, आज हम जिस वीडियो पर रिएक्ट करने वाले हैं, काफी टाइम से सजेशन आ रही थी कि मैं बंगाली सॉन्ग पर रिएक्शन करूँ। ऑलरेडी जो है गाइस, मैं काफी जो है रावण मूवी के सीन्स वगैरह पे, जो बंगाली मूवीज हैं उनके सीन पर मैं रिएक्शन कर रहा हूँ, जो हमारा सेकंड चैनल है। अगर आपने नहीं देखा है तो गाइस, सेकंड चैनल जो है उस पर आप देख सकते हैं, आई बटन पर लिंक आ रहा है। रावण मूवी के जो सीन है गाइस, उस पर आप रिएक्शन जो किया है वो आप देख सकते हैं। तो गाइस, अभी जो है जिस वीडियो पर हम रिएक्ट करने वाले हैं, ये होने वाला है गाइस बंगाली मूवी का प्रजापति मूवी जो है गाइस, देवदास सर की, जो हाल ही में रिलीज हुई है, दिसंबर में रिलीज हुई थी, 23 दिसंबर को रिलीज हुई थी, जिसमें मिथुन दास सर भी हैं, देवदा के साथ मिथुन दास सर हैं। और इसका एक सॉन्ग है गाइस, भेंगे देखो अमे। अब गाइस, ये जो है प्रोनाउंसिएशन थोड़ा गलत हो सकता है, लेकिन गाइस ये मुझे, मैं तो ये पढ़ पा रहा हूँ। तो इसका जो है ये सॉन्ग है गाइस, इसका सॉन्ग का जो नाम है, और इसमें जो नचिकेता चक्रवर्ती जो है इस सॉन्ग के सिंगर हैं। तो गाइस, सॉन्ग देखते हैं कैसा है। तो काफ़ी मैं इसका एक सॉन्ग सुना था यार, जिसमें देखा था, मैंने कुछ क्लिप देखी थी, जिसमें मिथुन दास सर जो है इनके फादर होते हैं, शायद ही फादर का रोल निभा रहे हैं इसमें। और वो मिथुन दास सर जो है अपने फादर का ना काफ़ी ज़्यादा ध्यान रखते हैं, उनकी मेडिसिन वगैरह का, वो बीमार वगैरह होते हैं। तो काफ़ी मतलब एक तरह का सैड वगैरह की फीलिंग उसमें आ रही थी सॉन्ग को देख के, वो उस सॉन्ग को सुन के। तो अभी जो है गाइस, ये मूवी का सॉन्ग जो है सुन लेते हैं, उसके बाद हम बात करेंगे कैसा है सॉन्ग, कैसा है जो भी है उसके बाद में बताऊँगा। तो कुछ बंगाली लैंग्वेज का बैरियर होगा तो उसको भी थोड़ी समझने की कोशिश करूँगा, और जो मैं ना समझ पाऊँगा इस कमेंट सेक्शन में आप बता देना। तो गाइस, करते हैं वीडियो को स्टार्ट। लेट्स स्टार्ट द वीडियो। सारे गाँव में बंगाली से मैंने गाइस ये वीडियो ली है, और इसका वीडियो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा गाइस। लेट्स प्ले। सैड सॉन्ग है, काफी हार्ट टचिंग। काफी सैड सॉन्ग है, मुझे लग रहा है मूवी काफी सैड होगी, इसमें काफी जो लोगों ने देखी होगी, मैं बाद में बात करूंगा। और मैं फीमेल सिंगर सोच रहा था, एक मेल सिंगर है। वाइब एक अलग ही वाइब आ रही है, सॉन्ग ना बड़ा ही। तुम्हारे जल्लोवार कत रात जेगे जेगे बेचे थका जाए, बोलो कार गल्प के काके शोना। तुम्हारे जल्लोवार कत रात जेग बेच थका जाए, बोलो कार गल्प के काके शोनाए। निजेराई जानी ना आची कोथाए, निजेराई जानी ना पाची कोथाए, से आदोरेर दरोदेर दिन गेलो कोथाए। ভেঙে দেখো আমায়, জুড়ে দেখো আমায়, তুমি আমারি আমারি ভেঙে দেখো আমায়, ভেঙে দেখো আমায়, জুড়ে দেখো আমায়, তুমি আমারি আমারি রয়েছো।
वाराणसी, आई थिंक मुझे लग रहा है इसमें वाराणसी की भी शूटिंग है गाइस। तो गाइस सॉन्ग हो गए एंड यार भी के देखो हम आए, काफ़ी ज़्यादा एक फीलिंग है ना यार, काफ़ी यार सैड सी फीलिंग सॉन्ग को देख के कुछ। गाइस मैं सही बताऊंगा कुछ उसमें जो वो थी ना बंगाली लैंग्वेज में, कुछ मुझे समझ में इतनी ज़्यादा सॉन्ग का वो नहीं मीनिंग समझ में आ रहा था, लेकिन ये है सॉन्ग को देख के ना फील काफ़ी ज़्यादा मैं कर रहा था, काफ़ी ज़्यादा एक बैक जो लिरिक्स थी ना गाइस, एक मतलब एक अलग ही फील हो रहा था सॉन्ग को सुन के। वॉइस काफ़ी ख़तरनाक है सिंगर की, और मैं जैसे बोला था नचिकेता जो चक्रवर्ती हैं, मैं सोच रहा फीमेल सिंगर नहीं मेल सिंगर हैं ये, मतलब थोड़ा नाम से थोड़ा हो रहा था सॉरी। तो गाइस काफ़ी अच्छा सॉन्ग है यार, और मैंने ये मूवी देखी थी, मूवी नहीं देखी मैंने, इसके मैंने एक सॉन्ग सुना था जो मैं बता रहा था आपसे कि वो इनकी देखभाल करते हैं इसमें, और इसमें भी सॉन्ग में इसी तरह से दिखाया है कि वो पहले उनके जो वो अपने फादर की देखभाल करते हैं, उसके अलावा उनके फादर जो हैं अपने जो है मतलब देवदासर की देख वो करते हैं, मतलब वो काफ़ी मतलब एक प्यार दिखाया है इसमें। और जो लेडीज़ हैं आई थिंक वो मदर हैं उनकी क्या है, और जो फीमेल एक्टर हैं उनका वो कुछ मुझे इतना समझ में नहीं आ रहा क्योंकि मैंने मूवी नहीं देखी गाइस। ठीक है जैसा भी है एक बार कमेंट सेक्शन में आप बता देना, या मैं इसके बारे में थोड़ा पढ़ लूँगा कि स्टोरी वगैरह की कुछ इस तरह का जानकारी ले लूँगा, लेकिन जो भी है ना गाइस मुझे काफ़ी जो है इनका ये तो पता चला कि ये फादर और मतलब इनका जो मतलब ये दोनों इनके फादर रिलेशन वो उसका रिलेशन है, लेकिन उनका मैं वो नहीं समझ पाया कि मदर का रिलेशन है वो क्या है। तो गाइस काफ़ी अच्छा सॉन्ग था भाई, मज़ा आ गया, और उसमें जो मैंने एक सॉन्ग सुना था ना गाइस वो जो था मैंने सॉन्ग अपलोड करना, मैं कह रहा था कि मेरा जब मेरी तबीयत ख़राब हुई थी ना मुझे डेंगू तब मेरी तबीयत ख़राब हो गई, उस टाइम मैं रिएक्शन किया था तो मैं अपलोड नहीं कर पाया सॉन्ग अपलोड किया था, लेकिन कॉपीराइट आया था तो उसकी वजह से वीडियो जो है ब्लॉक हो गई थी। तो अब पता नहीं ये वीडियो अपलोड हो जाएगी तो आप देख रहे होंगे, लेकिन काफ़ी ज़्यादा अच्छा सॉन्ग लगा मुझे, मतलब फीलिंग काफ़ी ज़्यादा अच्छी आई मुझे सॉन्ग को सच में, एक फील क्या कहूँ यार मैं क्या कहूँ, मतलब मज़ा आ गया सॉन्ग को सुन के, एक गुमसुम सा माहौल हो गया। तो गाइस कैसा लगा आपको सॉन्ग आप मुझे बताना कमेंट सेक्शन में, आपको तो मुझे पता है आप तो मीनिंग भी समझ गए होंगे, सबको समझ गए तो आपको इतना ज़्यादा मज़ा भी आया होगा समझने में, मतलब फील किया होगा आपने, पूरा फील ले लिया मैं, लेकिन मैंने थोड़ी फीलिंग ली आपने पूरी फीलिंग ली है। तो गाइस वीडियो अच्छी लगे तो गाइस वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, और थोड़े मीनिंग जो है गाइस की जो है वो मुझे आप कुछ बता देना कि मीनिंग नहीं सॉरी फील तो मैं कर ही गया हूँ, मतलब ये नहीं है मीनिंग ही माइंड रखते हैं, लेकिन मैं फील कर रहा था सॉन्ग को सुन के ना स्टोरी जो चल रही थी, लेकिन इसका जो है ना स्टोरी आप मुझे एक बार तो ये बताना कि इसमें जो वो फीमेल जो है वो इनकी मदर है वो क्या है। ठीक है तो गाइस वीडियो एंड करता हूँ, मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो, तब सेफ रहे मेरे साथ, देखते हैं डे टू रिएक्शन, बाय बाय गाइस।